आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल वन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में किया है। अब नंबर आ चुका है भाई एग्जाम्पल्स का, तो ये है भाई फिगर। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे बेटा, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे समझेंगे ध्यान से बेटा। पहले तो आपको लिखना है गिवन, क्या लिखना है बेटा, गिवन। और गिवन को बेटा मैं लिख रहा हूँ किससे, ग्रीन कलर से, मतलब हरी झंडी। ये आपको दिया हुआ है, गिवन का मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड बेटा पॉइंट आएगा टू प्रूव, क्या आएगा बेटा, टू प्रूव। ये टू प्रूव बेटा क्या होता है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, जो आपको प्रूव करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, वो टू प्रूव होता है, ठीक है। और लास्ट में इसीलिए बेटा ये रेड कलर से लिखा जाएगा, रेड का मतलब खतरनाक, खतरे की झंडी। और इसके बाद हमें लिखना होगा बेटा क्या, प्रूफ, प्रूफ मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बीच में एक और लाइन आ सकती है, एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन। कई सारे क्वेश्चंस में हमें बेटा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो यहां पर आपने क्या कंस्ट्रक्शन की है वो बताना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, चलिए जी शुरू करते हैं। देखो इधर जरा, वो क्या कह रहे हैं, जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे ध्यान से। लाइन्स पी क्यू, बेटा एक ये पी क्यू लाइन है एंड आर एस, दूसरी बेटा क्या है, आर एस। बेटा वहां पे चेयर डाल के वहां बैठा के पढ़ाऊंगा, बता रहा हूं मैं आपको, अगर दोबारा बात की तो। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, दोनों बेटा कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ देखो, इफ पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, ये बेटा आपको क्या है, गिवन है, ये दिया हुआ है, तो आप गिवन में इसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। आ रहे हैं बेटा ऑपोजिट एंगल्स कहाँ आएंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंड ऑल दी एंगल्स, इसका मतलब बेटा हमें फाइंड क्या क्या करना है, जरा समझिए। एक तो हमें पी ओ आर बताना है, पी ओ आर, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, पी ओ एस बताना है, फिर हमें क्या बताना है बेटा, आर ओ क्यू बताना है, एंगल आर ओ क्यू, एंड और क्या बताना है, एंगल एस ओ क्यू। क्या बात समझ में आ रही है, किस तरीके से आ गया, जो या फिर बैठ जाओ इधर हो जाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है जरा ध्यान से समझेंगे बेटा, जो चीज आपको गिवन है ऑब्वियसली उसका ही यूज करना होता है। जब हमें एंगल्स रेशियो में या कोई और चीज बेटा रेशियो में दी हुई होती है, तो हम आगे क्या लगा लेते हैं, एक्स लगा लेते हैं, है ना, वैसे ही हमें करना है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू, बेटा ये किसके इक्वल दिया, 5, तो हम यहां पे क्या लगा लेंगे, 5x लगा लेंगे, एंड एंगल आर ओ क्यू ये दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, ये बेटा किसके इक्वल दिया हुआ है, 7, तो ये 7 के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है, 7x, इज दैट क्लियर। अब बेटा जरा ध्यान से समझिए कि उन्होंने हमें पी ओ एस ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना, पी ओ आर, सॉरी पी ओ आर, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ बेटा कितना, पी ओ आर 5x, क्या बात समझ में आ रही है। और बेटा हमें क्या दिया हुआ, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ 7x। क्या आपको पी ओ क्यू एक लाइन नजर आ रही है, और बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही होगी आर ओ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहां पर टू एंगल्स का सम कितना होगा, 180, और रीजन क्या होगा बेटा, लीनियर पेयर, वेरी गुड। तो यहां पर आप लिखोगे कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180, रीजन बेटा क्या होगा, लीनियर पेयर, बेटा रीजन जरूर लिखेंगे, ठीक है। क्या फोन अर्जेंट है, देखो हेलो स्टैंड पे लगाया हुआ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्या हुआ, क्या मुझे क्या पता होगा, हेलो हाँ बता क्या हुआ, क्लास ले रहा हूँ, है हाँ बता, हाँ हाँ आ रही, बता बता, हाँ वो स्टैंड पे लगा हुआ है फ़ोन, बता
अभी फ़ोन लगा हुआ है स्टैंड पे, ये फ़ोन लगा हुआ है स्टैंड पे, 7 बजे निकलेगा ये। हाँ हाँ, जब तक वेट कर, क्योंकि मेरे कैश नहीं बहन मेरी, बहन मेरी फ़ोन पूरा सेटअप करना पड़ता है, बच्चे बैठे हुए, क्लास चल रही है। मैं पूछता हूँ, हेलो 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 हेलो, हेलो जाओ, हमने 3-4 दिन वेट कर लिया आपसे, 5 मिनट वेट नहीं हो रहा। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी क्लास ओवर हो जाए, मतलब आई एम क्या करूँगा, चीज़ खाऊँगा, मोमोज खाऊँगा, दारू वारू तो मैं पीता नहीं, दारू वारू तो मैं पीता, बस शांत। तो ये हो गया लीनियर पेयर, ठीक है। अब बेटा ज़रा मेरी बात ध्यान से समझिए, आपको पी ओ आर दिया हुआ है कितना, 5x, आर ओ क्यू दिया हुआ आपको कितना, 7x, दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है, 12x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर बेटा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 12 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 क्यों आएगा, हाँ ठीक है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, हाँ जी, अब आपको बेटा एंगल्स निकालने, देखिए सारे एंगल्स निकालने, पहले तो आपको यही निकालना है पी ओ आर, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 5x, 5 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, और एंगल दूसरा कौन सा है, आर ओ क्यू, कौन सा दिया हुआ बेटा, आर ओ क्यू, कितना दिया हुआ है, 7x, 7 × x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 15, कितना आ जाएगा, 5 × 7 = 35, और कितना आ रहा है, रुक जाओ, 35, हाँ ठीक है, 105, क्लियर हो गई बात या नहीं। अब बेटा मेरी बात ज़रा ध्यान से समझिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा इक्वल है, रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एंगल एस ओ क्यू किसके इक्वल है बेटा, पी ओ आर के, और रीज़न बेटा क्या है यहाँ पर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, एस ओ क्यू, पी ओ आर की वैल्यू बेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 75, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी आ गया। अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास आ चुका है, अब ज़रा देखिए पी ओ एस किसके इक्वल है बेटा, पी ओ एस आर ओ क्यू के, और बेटा रीज़न क्या रहेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बेटा ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से। और बेटा आर ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, आर ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी आ चुकी है बेटा, 105, तो पी ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई, 105, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन।